आज करनाल में हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ और इतिहास चोरों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आज हमारे देश का नाम भारत है तो वो भारत क्षत्रियों के नाम पे भारत है। हमने कभी कहा हमारे नाम से इस देश का नाम है? नहीं, परंतु एक कहता है कि ये तो राजपूत रेफल्स करना चाहिए। मैं उसको कहना चाहता हूँ कान इधर करके सुन, ये वो राजपूत है। कारगिल के युद्ध में 457 लोग शहीद हुए, 200 लोग राजपूत थे। क्या हम अपनी कौम के लिए मरे थे? नहीं, हम इस देश के लिए मरे हैं। और सत्ता सुन ले, सत्ता को हमेशा जूती की नोक पे रखा है। हमने सत्ता का लोभन नहीं किया, हम तो आज भी देश की रक्षा करते हैं। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई तिरंगे में लिपट के आते हैं तो अक्षत्रिया मैं कहना नहीं चाहता था, परंतु हमें मजबूर किया जा रहा है। और मैं इस सीएम को एक बात और कहना चाहता हूँ, ये इतने लाचार और इतने बेबस नहीं है। 47 के हम अंदर हमने सिर्फ अपने हथियारों को जमा कराया है, हम ये चलाना नहीं भूले। हमें मजबूर ना करें, हम उस कुल उस वंश के अंदर से हैं। 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, इसके बाद जीना है धिक्कार। ये हमारे कुल की परंपरा थी। 1000 वर्ष तक हमारे कुल के अंदर 18 वर्ष से बड़ा क्षत्रिय नहीं रहा था। क्या कब जब कहां सो रहे थे ये लोग? आज ये कहते हैं जी हमारा ये एक तरफ तो मांगते हैं गमंतु का ये लोग कहते हैं हमें रक्षण दो, हम तो पिछड़े बिल्कुल तरले आधार पर पिछड़े हुए, और दूसरी तरफ कहते हैं। तो भाइयों, राणा साहब ने बोला कि राजपूत रेजिमेंट पर सवाल उठाते हैं तो हमारे नाम पर तो 5 रेजिमेंट ही है और तुम्हारे इतने लोग नहीं होंगे जितने अकेले जम्मू हिमाचल उत्तराखंड के गढ़वाल और डोगरा रेजिमेंट में राजपूत होंगे। और दूसरी बात यह है, जो सवाल उठाने वाले उनके खानदान से किसी ने भी आज तक, कितनी शर्म की बात है हमें ये कहनी पड़ रही है, जो राजपूत रेजिमेंट पर सवाल उठाते हैं उनके किसी ने भी एक परमवीर चक्कर नहीं जीता। वही राजपूत क्षत्रियों ने 21 में से 6 परमवीर चक्कर जीते हैं, उन्होंने एक भी नहीं जीता। और बातें करते हैं भाइयों बड़ी बड़ी। तो आज हमारे समाज यहाँ इकट्ठा हुआ था कई हजारों की संख्या में, तो आज बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो फैसला लिया गया कि कुरुक्षेत्र के कैथल के अंदर जहाँ पर यह घटना घटी है वहाँ पर एक 10 सितंबर को महाकुंभ होगा। महाकुंभ का मतलब ये है कि पूरे देश से और पूरे प्रदेश के लोग 10 सितंबर को यानी पूरे समाज के लोग इकट्ठा होंगे, पूरा राजपूत समाज इकट्ठा होगा, लाखों की तादाद में इकट्ठा होगा। हर जिले में जाएगा, टीमें गठित कर दी गई हैं। आज कमेटियों का गठन किया गया, 3 कमेटी हमने बनाई है, एक सामाजिक तौर पर जो कमेटी और एक इतिहास को देखेगी और एक हमारे एडवोकेट्स की कमेटी जो बनी है वो जो हमारी हाईकोर्ट में पैरवाई करेगी। और पूरा समाज एकजुट खड़ा फैसला लेगा उनके विरुद्ध कैसे क्या करना है, ये समाज के ऊपर निर्भर है। अब इस समाज का बच्चा और बुजुर्ग सब एकजुट हैं, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। और आप देखना ये किस प्रकार से इस सरकार को, जिसने हमारे नौजवान साथियों पर, बुजुर्गों पर लाठियां बांधी हैं, किस प्रकार उखाड़ के फेंकने का काम ये राजपूत समाज करेगा।